नमस्कार दोस्तों, आज ये देखेंगे कि दीवार के ऊपर वॉलपेपर किस प्रकार से लगाया जाता है और क्या कॉस्ट पड़ता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे ग्रीन शेड में यहाँ पे वॉलपेपर है। जैसे वॉलपेपर जो साइज़ रहता है, आप 21 इंच का एक पन्ना भी मंगा सकते हो और 27 इंच के हिसाब से भी आप मंगवा सकते हो। जैसा वॉल रहता है, यदि वॉल का साइज़ ज़्यादा मोटा रहता है तो उसके हिसाब से भी आप मंगवा सकते हो और हाइट में 14 फीट तक मिल जाता आसानी से। आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे केमिकल लगाया गया है दोस्तों। यहाँ पे बाल्टी है, बाल्टी के अंदर आप जितनी दीवार की दीवार पे लगाना उस मात्रा में आप पहले से केमिकल को अपनी मात्रा के अनुसार मिला लेवे। और इसमें यदि थोड़ा बहुत फेविकोल डालना रहता है तो आप फेविकोल भी डाल सकते हो। फेविकोल से काफ़ी पकड़ अच्छी हो जाती है, जो वॉलपेपर का जो कागज़ रहता है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूप से पकड़ लेता है। और ब्रश जो रहता है उससे प्रॉपर से अंदर की साइड में हिला देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो वॉलपेपर है, वॉलपेपर का साइज़ 21 इंची रखा गया है और यहाँ पे है पूरा वॉल है सामने। यहाँ पे अच्छी तरीके से लगा देंगे यहाँ पे जो केमिकल है, और ऊपर से यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। आप देख रहे हो, ऊपर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रखा गया है और यहाँ पे वॉल है, वॉल को भी इसी प्रकार से साइड में टच करते लगाते जाएंगे। दोस्तों यदि आपका दीवार यदि ओड़मे में थोड़ा आउट रहता है तो आगे चल के थोड़ा फीस जो रहता है उसको क्रॉस काटना रहता है। और जैसे वॉलपेपर लगाना रहता है तो पहले से आप दीवार को है प्रॉपर से देख लेवे, चेक कर लेवे कि खड्डा अथवा कोई बाहर नहीं निकला हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ पे आप देखो वॉलपेपर है, पहले एक लाइन से यहाँ पे बिठाते जाएंगे और फिर है थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे। यहाँ पे ऊपर देख रहे हो थोड़ा बबल है, तो वो हाथ घूम जाने के बाद में यहाँ पे प्रॉपर से सेट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से पहले जो कॉर्नर है, कॉर्नर के हिसाब से साइड में है उसको प्रॉपर से बिठा देंगे और फिर जो ऊपर और नीचे जो बचता है उसको चाकू द्वारा, जो स्टेशनरी के शॉप में मिल जाता है चाकू, इसका अलग से आसानी से कट भी जाता है। और जैसे वॉलपेपर में यदि ज़्यादा डिज़ाइन रहती है फूल वगैरह की अथवा क्रॉस में कोई भी लाइनिंग वगैरह, तो आप पहले से पट्टे हैं नीचे फ्लोर पर बिछा के आप आसानी से चेक कर सकते हो कि उसकी लाइनें वगैरह मैच हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे है, नीचे पे इस प्रकार से यहाँ पे ज़्यादा था तो उसको चाकू से यहाँ पे कटिंग कर दिया गया है। और ऊपर है, ऊपर भी आप एक पतला पट्टी रख के आसानी से सीधा कटिंग कर सकते हो। और यहाँ पे है ये भी प्रॉपर से जैसे आप चेक कर लेंगे, यदि बाहर यदि टाइम ज़्यादा लग जाता है तो उसमें ग्लू वगैरह का भी ध्यान रखना रहता है और आप टाइम के हिसाब से उसको पेस्टिंग दे दो तो काफ़ी सही रहती है। और यहाँ है, आप देख रहे हो ऊपर की साइड में है, प्रॉपर से ब्रश से खींच देंगे, जैसे बबल वगैरह नहीं रहे, थोड़ा हल्का बाहर रहता है उससे प्रॉपर से पेस्टिंग हो जाता है। कॉर्नर है, कॉर्नर को भी अच्छी तरीके से दबा के चिपका देंगे। और ये जो पीस है यहाँ पर प्रॉपर से लग के रेडी हो गया। फिर यहाँ पर दूसरा जो पीस है, दूसरा पीस भी इसी तरीके से यहाँ पर केमिकल लगाते जाएंगे। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से यदि वॉलपेपर लगाना रहता है तो आप 100 रुपये से लेके ये 500 रुपये तक मिल जाता है। और जैसे अमेजोन वगैरह पे मिलता है वो बिल्कुल हल्की क्वालिटी का मिलता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे घर पे लगाना रहता है तो आप खुद भी लगा सकते हो आसानी से, सीधा पेस्टिंग करना रहता है, पेपर जैसा रहता है, आसानी से हो जाता है। और यहाँ पर देख रहे हो जैसे पहले वॉलपेपर पर लगाया था, फिर दूसरा हाथ है यहाँ पे दीवार पे भी मार देंगे। दोस्तों यदि इस प्रकार से पूरा दीवार है, आप पहले से प्राइमर हुआ अथवा वॉल पुट्टी हुआ वो पहले से फिनिश करवा दें ताकि दीवार पे स्मूथनेस ज़्यादा आती है और फिनिशिंग भी बहुत सुंदर लगती है वॉलपेपर में। और ये जो डिज़ाइन है थोड़ा डायमंड शेप वाला डिज़ाइन है, यहाँ पर दूर से नज़र नहीं आता है और हल्का हल्का डायमंड शेप का है, तो आप वो जो धारी रहती है उसको भी आप मैच करा के लगा सकते हो। और थोड़ा थोड़ा है कॉर्नर के भी ऊपर यहाँ पे लगाते जाएंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। दोस्तों जैसे यहाँ पे पहले केमिकल का हाथ मारा था और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पतला फेविकोल है, फेविकोल को भी यहाँ पर पेस्टिंग दिया गया है। अब देख रहे हो जो बाजू वाला भाग था लेफ्ट वाला, वो भी प्रॉपर से यहाँ पर बिठा दिया गया है। और दूसरा जो पार्ट है, दूसरा पार्ट भी इसी प्रकार से ऊपर से स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों यदि ऊपर से स्टार्ट करो तो काफ़ी बेटर रहता है, इसमें सले वगैरह है वो नहीं रहती है। नीचे से करते हैं तो प्रॉपर से बैठता नहीं है, आगे या पीछे भी हो जाता है।
और जो लाइन है लाइन यहाँ पे मैच करा लेंगे, इसे ओवरलैप भी नहीं होना चाहिए और धार है वो भी टच हो जाए, इस प्रकार से यहाँ पे रखना रहता है। आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे जो डायमंड वाला शेप था वो भी प्रॉपर से यहाँ पे मैच हो जाएंगे। मैच करने के लिए आप या तो फ्लोर के ऊपर बिछा के भी कर सकते हो, अथवा एक लाइन में मैच करवा के आप ऊपर अथवा नीचे से कटिंग भी आसानी से कर सकते हो। देख रहे हो यहाँ पे पूरा पेस्टिंग होके रेडी हो गया, और जैसे यहाँ पे वॉलपेपर इस तरीके से लग रहा है जैसे एक ही पीस में लगाया हुआ है, यानी पूरा कटोकट लग गया है, जैसे टक्कर था बाजू वाले का लेफ्ट और राइट वाला का, दोनों का यहाँ पे मैच हो गया है, और बबल वगैरह है वो भी नहीं रहता है, प्रॉपर से चिपक जाता है ये कागज़ रहता है। दोस्तों इसको मेंटेन करना थोड़ा ध्यान में रखना रहता है, जैसे नीचे का जो वॉलपेपर है ख़राब नहीं होवे पानी वगैरह से, अथवा आप नीचे की साइड में कोई वुडन का पट्टी भी आप लगवा सकते हो या लगा सकते हो। और आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे नीचे है, नीचे भी कटिंग हो गया है, और फिर ऊपर है, ऊपर की साइड में ये थोड़ा प्रेस करके ऊपर की साइड में खींचते जाएंगे, और फिर है यहाँ पे कटिंग कर देंगे, जो धार वाला जो ब्लेड है उससे यहाँ पे कटिंग कर देंगे। और यहाँ पे है थोड़ा देख लेंगे प्रॉपर से कि जॉइंट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, और ऊपर का भाग है, ऊपर का भाग भी इसी प्रकार से कट के लगा देंगे। और जैसे पतरा जो रहता है या अथवा सीधा कोई भी बॉटम रहता है उसे आप प्रेस भी कर सकते हो। यहाँ पे जो पीस थे लग के रेडी हो गया, जैसा कि मैंने आपको साइज़ भी बताया था कि 21 इंच का ये साइज़ है, और इसमें 24 का भी मिल जाता है और उससे भी मोटा मिल जाता है, तीन चार साइज़ें रहती है वो आसानी से मिल जाती है। इसमें यदि लगाना रहता है तो आप दो साइज़ का आप यूज़ कर सकते हो, 21 का हुआ अथवा 27 का हुआ, उससे मोटा जो साइज़ रहता है उसमें दो आदमी से लगाना पड़ता है, और ये जो साइज़ रहता है इससे एक बंदा भी आसानी से लगा सकता, कोई दिक्कत नहीं रहती है। और यहाँ पे देख रहे हो प्रॉपर से जैसे सूखा वाला जो फोम रहता है उससे भी आप घुमा सकते हो, क्योंकि ग्लू वगैरह वो आसानी से निकल जाए, और जो वॉल है वॉल के ऊपर यहाँ पे फिनिशिंग दे देंगे ग्लू वगैरह लगा के, ग्लू लगा देंगे। और ब्रश है जितना पीस आता है, जैसे यहाँ पे 21 का आ रहा है तो आप 21 के हिसाब से ग्लू लगाएं अथवा केमिकल लगा देवें। और जैसे यदि आपका वॉलपेपर का यदि साइज़ मोटा है 27 इंच का है अथवा 4 फीट का है तो आप उसके हिसाब से भी आप लगा सकते हो। और जैसे यदि पूरी वॉल है वॉल के ऊपर यदि नहीं लिखा के जितना वॉलपेपर रहता है उसके हिसाब से आप पेस्टिंग दे तो सही रहता है, क्योंकि जो केमिकल है केमिकल सूखने का ज़्यादा चांस रहता है। आप यहाँ पे देख रहे हो दूसरा वाला भी इसी प्रकार से यहाँ पे मैच कराते जाएंगे। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार की यदि डिज़ाइन बनानी रहती है तो आप सीलिंग में भी बना सकते हो, पैनलिंग में बना सकते हो, बेडरूम में बना सकते हो, अथवा कई वॉलड्रोप वगैरह के साइड में या डिज़ाइन भी बना सकते हो। और जैसे यदि घर में यदि इंटीरियर करवाना रहता है तो आप वॉलपेपर है वॉलपेपर का आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यदि ये वॉलपेपर ऐसा आइटम है जैसे आपको यदि सस्ता लगवा के साल दो साल बाद में यदि चेंज करना रहता है तो आप चेंज भी करवा सकते हो। इसका यदि कॉस्टिंग की बात की जाए तो कॉस्टिंग है 100 रुपये से स्टार्ट होके 500 रुपये तक मिल जाता है, जैसे आपका डिज़ाइन है डिज़ाइन के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पे जो वॉलपेपर लगाया गया है वो 100 रुपये के अराउंड में लगाया गया है, और यदि डिज़ाइन वाला रहता है तो 150 रुपये में आसानी से मिल जाता है, और यदि थिकनेस में पतला रहता है तो वो भी काफ़ी लो कॉस्ट में मिल जाता है। और यदि अमेज़ोन है अमेज़ोन में छोटे छोटे आप पीस भी मंगवा सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अथवा आप डायरेक्टली अमेज़ोन में वॉलपेपर स्टिकर सर्च मार के आसानी से निकाल सकते हो। और यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे ग्लू है एक पेपर में यहाँ पे ग्लू लग गया है, और इसी प्रकार से दूसरा जो वॉल है वॉल पे भी इसी प्रकार से लगा देंगे। दोस्तों यदि इस प्रकार से वॉल लगाना रहता है तो आप एक लाइन से यदि शुरू करते जाते हो, जैसे एक पार्ट है या दूसरा या तीसरा या चौथा, चौथे वाले पार्ट है आपको खास करके मेजरमेंट से चेक कर लेना रहता है कि ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में कम या ज़्यादा मेजरमेंट तो नहीं आ रहा है, तो आप उसके हिसाब से आप कटिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे खांचा है तो खांचे के हिसाब से रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर है, कॉर्नर में आसानी से ब्लेड है, ब्लेड से कटिंग हो जाता है। और जो कॉर्नर वगैरह है कॉर्नर को यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे मिलाते जाएंगे,
और कॉर्नर है, कॉर्नर में यहाँ पे फेविकोल भी लगा देंगे। दोस्तों यदि इस प्रकार से लगाना रहता है तो आप थोड़ा थोड़ा है कॉर्नर है चारों तरफ, कॉर्नर में यहाँ पे फेविकोल का पेस्टिंग दे दो, क्योंकि फेविकोल है, फेविकोल से काफ़ी मजबूत हो जाता है केमिकल की बजाय। कॉर्नर वगैरह है, कॉर्नर वगैरह नहीं छूटते हैं, जैसे पहले वॉलपेपर निकलने की जो शुरुआत रहती है वो कॉर्नर से ही होती है, और फिर है थोड़ा 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 बढ़ते जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप कॉर्नर है कॉर्नर पे आप फेविकोल द्वारा भी पेस्टिंग करके लगा सकते हो। और यहाँ पे देख रहे हो जैसे लास्ट वाला जो पीस है, लास्ट वाला यहाँ पे बिठाया जा रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर की साइड में थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, और फिर साइड में यहाँ पे मैच करा दे जाएंगे। दोस्तों जो साइड में ऊपर की साइड में और साइड में ज़्यादा वाला यहाँ पे भाग रख दिया गया है, यदि आपकी जगह कोई अलग आ जाती है तो आप डायरेक्ट ही फ्लोर के ऊपर कटिंग करके भी आप लगा सकते हो। और यहाँ पे आप देखो कॉर्नर है, कॉर्नर में आसानी से यहाँ पे ब्लेड से कटिंग हो जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो ब्लेड है आप स्टेशनरी की शॉप से मिल जाती है, जैसे चाकू जैसा रहता है वो आसानी से मिल जाता है पेपर कटिंग करने में। और यहाँ पे है, यहाँ पे बॉटम पट्टी है, बॉटम पट्टी को थोड़ा फ्रेश कर देंगे ताकि आराम से यहाँ पे चोट जाए पूरा का पूरा वॉलपेपर, और दीवार है दीवार में वाइब्रेशन नज़र नहीं आए। और नीचे है, नीचे की साइड में यहाँ पे खींचते जाएंगे। दोस्तों यदि इस प्रकार से यदि आपकी दीवार है, दीवार यदि अच्छी रहती है तो वॉलपेपर भी अच्छा दिखाई देता है, और यदि आपकी दीवार ऊबड़ खाबड़ रहती है तो वॉलपेपर में भी छाया और ऐसे लाइट लगने के बाद में छाया वगैरह दिखाई देती है। और यहाँ पे है ऊपर की साइड में यहाँ पे कटिंग कर देंगे, जैसे जितना भाग था कॉर्नर टू कॉर्नर यहाँ पे कटिंग करते जाएंगे। और साइड है, साइड वाला भी इसी प्रकार से बॉटम से थोड़ा थोड़ा प्रेस करके यहाँ पे कटिंग करते जाएंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे जो दो दो ज़्यादा भाग था यहाँ पे निकाल दिया गया, और फिर है यहाँ पे पूरा है पूरे को थोड़ा थोड़ा एक दोबारा हाथ मार देंगे, जैसे जो बॉटम पट्टी रहता है बॉटम पट्टी से कॉर्नर वगैरह है कॉर्नर वगैरह का यहाँ पे चेक कर लेंगे। आप देख रहे हो डिज़ाइन है, नज़दीक से आप देख रहे हो पूरी डायमंड वाली शेप में डिज़ाइन बनाया गया है, और ज़्यादा हैवी वाला डिज़ाइन नहीं है। सो थैंक यू, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।